ताज़ा तरीन चार मिसरे हैं भाई, आपके साथ मैं भी इसे पहली बार तरन्नुम में सुनूंगा। जिसकी जुल्फ़े खार के
जिसकी जुल्फे बदूर पढ़ते मोहम्मद वाले एक मतलब मतलब हमारे बहुत सारे जाकिरीन और मौजूद हैं आप सब की जानिब से एक मतलब पेश कर रहा लिखते हैं जो मद के अशआर उठते बैठते ये हदीस की रोशनी में लिखते हैं जो मद के अशआर उठते बैठते खुल्द में करते हैं घर तैयार उठते बैठते खुल्द करते हैं घर खुल्द की जीनत अगर होता न ये फर्शे अज़ा किस जगह सरवर के मातमदार उठते बैठते किस जगह सरवर के खुल्द की जीनत अगर होता न ये फर्शे अदा किस जगह सरवर के मातम दार उठते बैठते देखे खास तौर से आपकी नजर कर रहा हूं कि मेरे घर में एक छोटा सा अज़ा खाना भी है मेरे घर में एक छोटा सा अज़ा खाना भी है कर रहा हूं खुल्द का दीदार उठते बैठते खुल्द का दीदार उठते बैठते और सजदे सरवर से सजदे शह से न मिलती गए नमाजों को हयात सजदे शह से न मिलती गए नमाजों को कुफूर है इसका होना चाहिए इजहारु
سبت پیمبر میں تقیہ کفور ہے اس کا ہونا چاہیے اظہار اٹھتے بیٹھتے آخری شعر پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے ہوا تھا اس کی وجہ سے ذکی بھائی میں نے ایک مرکبت کہی تھی کس طرح لاؤں تبسم میں لب سجاد پر کس طرح لاؤں تبسم میں بے سجاد پر سوچتے تھے بس یہی مختار اٹھتے بیٹھتے سوچتے تھے بس یہی سجدے شے سے نہ ملتی گئے نماز کو حیات ہم مصلے پر